आज हम तीन चीजें रिवाइज करते हैं बेटा, जो आगे कर चुके हैं, क्रिया, कारक और वाक्य। वाक्य सिर्फ हमारे रचना के आधार पर हैं। इन तीनों चीजों की रिवीजन कर रहे हैं और दिस इज द हाई टाइम टू लर्न दीज थिंग्स। ये बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल अटेंटिव होकर रिवाइज करें ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। तो बेटा पहले मैं ले रही हूं क्रिया। क्रिया होती क्या है बच्चे? जिस शब्द में काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में काम का करना या होना पाया जाए, ठीक है। जैसे सो, रो, चल, रुक, ये शब्द सारे क्रिया शब्द हैं, ठीक है। इनसे क्रिया से और बहुत सी क्रियाएं बन जाती है, जैसे सो से सोना, सोया, सो रहा, सोया था, इस तरह बहुत सी क्रियाएं बन जाती हैं। ऐसे ही रो से रोता, रोना, रो रहा था, है ना, रोते हैं, इस तरह इनसे बहुत सी क्रियाएं बन जाती हैं आगे। तो इसको मूल शब्द कहते हैं। ये होता है मूल शब्द, बेसिक वर्ड। मूल यानी इसे कहते हैं हम धातु, क्रिया की धातु। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसके बाद बच्चे क्रिया जो है, हम तकरीबन क्रिया दो तरह की करते हैं। एक करते हैं अकर्मक क्रिया और एक करते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कर्म ना हो, जिस क्रिया का कर्म हो। एक और अतिरिक्त करते हैं हम द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ता है। This is अकर्मक क्रिया। इसमें क्रिया है पढ़ता है और इसका कोई कर्म नहीं है, ठीक है। इसके बीच में कोई भी कर्म नहीं है। वह पुस्तक पढ़ता है सकर्मक क्रिया। इसमें अब कर्म आ गया एक पुस्तक। वह पुस्तक पढ़ता है, कर्म आ गया, ठीक है। अब मैं तीसरा लिख रही हूं, वह राम को पुस्तक देगा। अब इस सेंटेंस में बेटा देगा क्रिया है, वह करता है, कर्म दो आ गए, एक राम और एक पुस्तक। तो ये क्रिया हो गई द्विकर्मक क्रिया। इस क्रिया में दो कर्म हो गए, ठीक है। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं, जिस क्रिया का एक कर्म है, जिस क्रिया के दो कर्म है। कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना, केवल और केवल हमें सिर्फ क्रिया का भेद बताना है, ठीक है। पहले हमें पता होना चाहिए क्रिया शब्द का क्या है। इसमें क्रिया शब्द ये है, इसमें क्रिया शब्द ये है, इसमें क्रिया शब्द ये है। ये देखिए मैं सर्कल कर रही हूं, क्रिया शब्द, ठीक है। अब हमें बताना है ये क्रिया कौन सी है, क्या इसके साथ कर्म है, क्या इसके साथ कर्म नहीं है, या इसके दो कर्म है। तो इस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है, इस क्रिया का एक कर्म है, इस क्रिया के दो कर्म हैं। कर्ता अलग करना होता है बस। हमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसे सॉल्व करते हुए आप लिखेंगे वह पढ़ता है, आंसर अकर्मक क्रिया। सेकेंड सेंटेंस, वह पुस्तक पढ़ता है,
दिस इज सकर्मक क्रिया। पेपर में इसी तरह सॉल्व करना है बच्चे, पहले पूरा सेंटेंस लिखना है फिर सॉल्व करना है। दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू। अब मैं तीसरा लिखना चाहती हूं, वह राम को पुस्तक देगा। नंबर थ्री, वह राम को पुस्तक देगा। द्विकर्मक क्रिया, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस। ओके, पहले सेंटेंस लिखना है फिर क्रिया का भेद लिखना है। ओके जी, अब रह गया लास्ट अतिरिक्त भेद जो है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से सुनो बेटा, आपकी बुक में बाइफरकेटेड है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, तो मैं वो कोई बाइफरकेशन नहीं करवा रही आपकी, कोई बाइफरकेशन नहीं करवा रही। प्रेरणार्थक क्रिया मीन्स जिसमें काम कोई भी स्वयं नहीं कर रहा, करवा रहा है। ठीक है, जैसे वह राम को पुस्तक, मैं इसी सेंटेंस को चेंज करके आपको बताने की कोशिश कर रही हूं, वह राम को पुस्तक पढ़ाएगा। कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक, द्विकर्मक क्रिया, सॉरी। ठीक है, ये वह राम को पुस्तक पढ़ाएगा, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, और अगर मैं इसी वाक्य को थोड़ा सा और चेंज कर दूं, वह राम को पुस्तक पढ़वाएगा, तो ये बन गई प्रेरणार्थक क्रिया। यानी इसी सेंटेंस को अगर मैं कहूं वह राम को पुस्तक पढ़ाएगा, तो ये द्विकर्मक हो जाएगी। ठीक है, वह राम को पुस्तक पढ़ा रहा है, द्विकर्मक। ठीक है, वह राम को पुस्तक ठीक है, और अगर मैं बीच में डाल दूं पढ़, हाँ बोलो बोलो, ask me, who want to ask? कौन पूछना चाहता था? अमरजोत कुछ पूछना है? नहीं। ओके, तो बच्चे पढ़वाएगा, जहां जहां वा बीच में आ गया ना, पढ़वाएगा, पढ़वा रहा है, सिलवा रहा है, करवा रहा है, करवाएगा, करवाता है, चलवाता है ना, चलवाता है, करवाता है, करवाएगा, इस तरह के वर्ड जिस क्रिया में वा शब्द आ जाता है वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। मतलब ना वो काम खुद करेगा, ना वो किसी को करने को कहेगा, वो करवाएगा, काम किसी से करवाया जाता है। ओके, दिस इज प्रेरणार्थक क्रिया। ओके जी, तो लेट मी टेस्ट यू, मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूं, आप उनके आंसर्स लिखिए और टेल मी द आंसर्स। वह बाजार गया, मैंने आम खरीदे, आज सूरज निकला, हम कार धो रहे थे, मैं कार में बैठा रहा, तुम हमें फूल दो, वह नई कमीज
लाएगा तुम उसे सिलवा लोगे। ओके, दीज आर 8 सेंटेंसेस। अपने मन में अपनी रफ नोटबुक पे सॉल्व करके देखो इन सेंटेंसेस को, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कहां तक आप राइट हैं, कहां तक आप उचित कर पाते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। स्टिल 30 आर प्रेजेंट, 11 आर एब्सेंट। ओके, डन हो जाए तो यू कैन शो मी द सिग्नल। आपके पेरेंट्स का कसूर कहूं या आपका कसूर कहूं बच्चे, मुझे लगता है पेरेंट्स तो कभी नहीं कहेंगे, आप ही का कसूर होगा। ये किसी का कैमरा ऑन नहीं है, पता, किसी का कैमरा ऑन नहीं है, मतलब मैं इस समय सिर्फ फोटोग्राफ्स को पढ़ा रही हूँ, दीवारों को पढ़ा रही हूँ। थैंक यू रिदम, आपने ऑन किया, अदरवाइज मुझे लग रहा है मैं दीवारों को ही पढ़ा रही हूँ, कोई बैठ के नहीं पढ़ रहा। और रिमेम्बर दिस थिंग, अगर आप बैठ के नहीं पढ़ेंगे, लेट के पढ़ेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। टीचर कितने भी एफर्ट्स लगा ले, हमें समझ में नहीं आएगा। ओके, तो बी रेडी टू अनम्यूट योरसेल्फ। आई एम आस्किंग रैंडमली, यू हैव टू आंसर। ओके, दो मैंने इसमें आपको नोट भी दिए थे, याद होगा क्रिया करवाते हुए क्या कहा था मैंने नोट में, एक तो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता। दिस वॉज द नोट। अब इस नोट को ध्यान में रखते हुए आई एम कॉलिंग यू टू आंसर। फर्स्ट आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम, हाँ प्रगति, कुछ पूछना है बेटा तो पूछना है या आंसर बताना है फर्स्ट? मैम आंसर बताना है। हाँ चलिए, पहला बताइए। मैं बाजार गया, अकर्म क्रिया। हाँ जी, अकर्म क्रिया, क्योंकि इसमें बाजार स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, दिस इज अकर्मक क्रिया। ओके, सेकंड रिदम, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर रिदम। मैंने आम खरीदे। यस मैम। आम मैम सकर्मक क्रिया नहीं, आम सकर्मक नहीं बच्चे, कुछ भी चुनना नहीं है, हमें सिर्फ आंसर देना है, दिस इज सकर्मक क्रिया, क्योंकि आम इसमें कर्म है। सकर्मक क्रिया, क्योंकि आम इसमें कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया। ओके, नंबर थ्री, जपू जी, आज सूरज निकला। कर्मक क्रिया कौन सी? कर्मक, अकर्मक बेटा, इसमें स नहीं है, क्योंकि देखिए अकर्मक क्रिया, क्योंकि निकला क्रिया है, सूरज करता है, आज तो क्रिया विशेषण है, अकर्मक क्रिया। ओके, नेक्स्ट, हम कार धो रहे थे। मनसवी, मनसवी बच्चे, हम कार धो रहे थे। मनसवी इज नॉट देयर आई थिंक। रितेश, रितेश, अब क्या मैं इन लोगों की प्रेजेंट मांग रहा हूं? द्विकर्म क्रिया। कौन सा द्विकर्म क्रिया? हम कार धो रहे थे। इसमें दो कर्म कौन कौन से हैं मुझे बता दो जरा प्लीज। आपने द्विकर्म कहा तो मुझे दो कर्म बता दो, क्योंकि बोलते हुए हमारे मन में तो आना चाहिए ना कि कर्म दो कौन से हैं। कैन यू आइडेंटिफाई?
दो कर्म बताइए, ख्याति ख्याति हम कार धो रहे थे, कर्म क्रिया, ये सकर्म है क्योंकि क्रिया कौन सी है इसमें, ये देखो दिस होल वर्ड इज क्रिया, धो रहे थे आईएनजी ये रहे थे, वॉशिंग वी वर वॉशिंग कार, सिर्फ एक कर्म है कार, तो ये हुई सकर्मक क्रिया, दो कर्म नहीं है इसमें, दिस इज सकर्मक क्रिया। एंड नेक्स्ट मनसवी अगेन यू, मैं कार में बैठा रहा, मनसवी वे आर यू बच्चे, रितेश 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 आर यू देयर, सार्थक बेटे बोल, सार्थक बोलो बच्चे। मैम सकर्मक, इसमें कर्म कौन सा है बच्चे, सार्थक बात करते रहना मेरे से, इसमें कर्म कौन सा है बच्चे, कार 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 तो यहाँ कर्म था, यहाँ तो कार में मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कार में बैठा रहा कहाँ बैठा रहा, कार में, ये तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया बच्चे, तो ये बन गया अकर्मक क्रिया, जैसा प्रगति ने पहले सेंटेंस का बताया था, वह बाजार गया, बाजार स्थान था, कार में भी स्थान है, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण कर्म नहीं गिना जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट प्रगति, सॉरी मुझे बाकियों को भी सम्मिलित करना है बच्चे, आपका हाथ खड़ा मुझे नजर आ रहा है, नवकरण आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड, तुम हमें फूल दो, नवकरण आपकी तरफ से मुझे फूल चाहिए, तुम हमें फूल दो, यस मैम, तुम हमें फूल दो मैम, सकर्मक क्रिया, मैं तेरे कान पकड़ूंगी, क्यों पकड़ूंगी, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, निकाल क्रिया शब्द को अलग कर दो काट के, यस मैम, क्रिया शब्द को अलग कर दो काट के, इसमें वर्ब कौन सा है मैम, फूल दो, फूल दो, फूल क्रिया है, फूल शब्द क्रिया शब्द है मैम, प्लीज रिपीट द सेंटेंस, बेटे तुम हमें फूल दो, नवकरण ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, आप लोग अंग्रेज ज्यादा हो, प्लीज गिव मी अ फ्लावर, हाँ प्लीज गिव अस फ्लावर, ठीक है, गिव अस फ्लावर, ओके, यू गिव अस फ्लावर, इसमें बताओ मुझे वर्ब कहाँ है, वर्ब क्या है मैम, गिव, गिव, अब इंग्लिश में आपको गिव पता है तो हिंदी में दो नहीं है मैम, हाँ तो इसमें वो कितने हुए कर्म, कितने हुए मैम, एक कर्म क्रिया, यार एक कर्म क्रिया तो कोई होती नहीं, नवकरण सकर्मक होती है, इसमें दो कर्म है, एक अस एक फ्लावर, हमें और फूल, आपने देना है फूल, मुझे देना है और फूल देना है, दो कर्म है, दिस इज द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया बच्चे, दो कर्म है इसमें, पहले आपको क्रिया ही नहीं छांटना आएगा तो मुश्किल हो जाएगा, चलिए जानवी नेक्स्ट इज फॉर यू, जानवी नेक्स्ट इज फॉर यू, वह नई कमीज लाएगा, वह नई कमीज लाएगा,
जानवी आर यू देयर, जपुजी, रिदम और प्रगति, मुझे लगता है इन तीनों को ही पढ़ाती हूँ मैं। कृतिका वेयर आर यू बच्चे? जपुजी 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 अनम्यूट योर सेल्फ। जपुजी वह नई कमीज लाएगा, थोड़ा ध्यान से सोचो। दो चीजें काटने को बोलती हूँ ना मैं, कर्ता काट के अलग फेंक दो, क्रिया काट के अलग फेंक दो। अब बीच में बचा नई कमीज। आप लोग बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कमीज है संज्ञा शब्द और नई क्या है विशेषण। तो कमीज की विशेषता है कर्म एक ही है इसमें बच्चे, दिस इज सकर्म क्रिया। अब विशेषण को थोड़ा कर्म मान लेंगे हम, विशेषण भी कर्म नहीं होता, क्रिया विशेषण भी कर्म नहीं होता बच्चे, ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट 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 मनसवी, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड बेटा। मनसवी उसे सिलवा लोगे, तुम उसे सिलवा लोगे? मनसवी आर यू देयर? आपका रिस्पॉन्ड कितना, रिस्पॉन्स कितना लेट हो जाता है बच्चे, कितनी लेट रिस्पॉन्ड करते हैं आप लोग। तभी कहा जाता है कैमरा ऑन रखिए ताकि पढ़ाई लाइव हो सके बच्चे। हाँ प्रगति ने तो लिख दिया, ओके जपू जी का भी ठीक है। सिलवा लोगे प्रेरणार्थक, प्रेरणा प्रेरणार्थक क्रिया। होप आज रिवाइज करके बच्चे आप इसे अच्छे से टेस्ट में देंगे, अच्छे से टेस्ट देंगे बच्चे।